बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, हमारा इम्यूनिटी हो गया, एनीमिया हो गया। अब हम देख लेते हैं कि ब्लड ग्रुप में से क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट रहते हैं। ये भी एनीमिया की तरह ऐसा कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, और जब आप प्रैक्टिकल नोटबुक्स बनाओगे तब आप ब्लड ग्रुप जो है अपना चेक करना भी सीखोगे कि आपका कौन सा ब्लड ग्रुप है। ठीक है, तो आप वो उसका प्रैक्टिकल भी लिखोगे। लेकिन एग्ज़ाम्स में क्या होता है वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि मैं पहले भी कहती हूँ, आपने पूरे चैप्टर को लाजमी तौर पे रीड ज़रूर करना होता है, क्योंकि वरना बाद में पछताने से बेहतर है कि पहले कुछ ना कुछ करके जाओ, कुछ ना कुछ एक आध लाइनें दिमाग में हो और फिर आगे बस किस्सा छोड़ दो अपना। ठीक है, तो फिर इसमें आ गया इंट्रोडक्शन में क्या होता है। एग्लूटिनेशन का वर्ड हर जगह यूज़ होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्या होती है एग्लूटिनेशन। ठीक है, क्लंपिंग ऑफ आरबीसीज। देन उसके बाद एबीओ ब्लड ग्रुप्स कौन कौन से हैं, इसको डिस्कवर किसने किया था, लैंडसिनर्स का लॉ क्या होता है, फिर देन उसके बाद ब्लड ग्रुप सिस्टम में एबीओ सिस्टम आपने ये देख लेना है। ठीक है, और ये आपको लाजमी तौर पे पता होना चाहिए कि अगर ग्रुप ये है तो एंटीजन कौन सा होगा और एंटीबॉडी कौन सी होगी। ठीक है, फ्लां ग्रुप है, फ्लां एंटीजन और उसका फ्लां एंटीबॉडी, अगर फ्लां एंटीबॉडी है तो फ्लां ग्रुप कौन सा होगा। ठीक है, इस तरह से आपको अगर घुमा फिर आके कोई क्वेश्चन या एमसीक्यू आ जाता है तो फिर वो आपको आने चाहिए। ठीक है, बाकी ये पॉपुलेशन वाली बकवास करने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। और डिटर्मिनेशन ऑफ एबीओ ग्रुप प्रिंसिपल कैबियस, ये प्रैक्टिकल वाइज है, देखना हो तो आप देख सकते हैं अच्छी तरह से। ठीक है, हाँ ये भी आप काम की चीज़ है, इसको आपने देख लेना है कि अगर एंटी ए है एंटी बी है तो उसका रिएक्शन क्या होगा किस तरह से। ठीक है, और अभी क्योंकि मेरा मकसद है कि मैंने आपको बताने हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब यहाँ पे अगर मैं एक्सप्लेन करने बैठ जाऊँगी तो जो मकसद है वीडियो बनाने का तो वो नहीं पूरा होगा। मैंने आपको यहाँ पे बताने कि इस चैप्टर में से करना क्या है। अगर आपको कोई इस चैप्टर में से समझ नहीं आती तो फिर वो मुझे आप बता दीजिएगा, मैं उसको सेपरेट समझा दूँगी। ठीक है, तो अभी नहीं मैं समझा सकती। तो मैंने कहा कि ये आपने टेबल देखना है, देन उसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ ए बी ओ ग्रुप्स भी आपको आनी चाहिए। ठीक है, क्या हो सकता है इम्पोर्टेंस में, यूनिवर्सल डोनर क्या होता है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट क्या होता है, और उसके बाद मैचिंग क्रॉस मैचिंग। बस एज सच को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस कोई इतना ज़्यादा अहम नहीं है। वैसे कुछ ना शॉर्ट के हवाले से करना है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस के हवाले से ना बहुत एमसीक्यू आते हैं, बहुत ज़्यादा एमसीक्यू आते हैं, तो वो आपको आनी चाहिए। ठीक है, ए बी ओ इनकम्पैटिबिलिटी क्या होती है, ये मैंने साइड पे इसके क्या लिखे हुए हैं, सिम्टम्स लिखे हुए हैं, तो आपने देख लेना है। फीवर हाइव्स है, और क्या है ये, रीनल फेलियर है, ठीक है, शॉक है, और फिर लास्ट में क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगी। तो ये आपको आनी चाहिए अच्छी तरह से। ठीक है, पता होने चाहिए बस। बाकी मैंने तो इस चैप्टर को इतने अच्छे से नहीं किया था। अच्छा, अप्लाइड फिजियोलॉजी ना कभी भी छोड़नी नहीं चाहिए। ठीक है, अप्लाइड फिजियोलॉजी, अब देखो आप मेडिकल स्टूडेंट हो तो आपको ये चीज़ें तो इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको आनी चाहिए। बाकी तो चलो रट्टा सिस्टम है वो वैसे भी भूल जाता है, ये आगे है जो आपने अप्लाई करनी होती है। ठीक है, अप्लाइड फिजियोलॉजी जो आगे आपने अप्लाई करनी है, ठीक है, जो आगे आपके काम आएगी। ठीक है, ये इसी बेस पे आप डायग्नोज करते हो डिफरेंट डिजीज़ को। ठीक है, तो अप्लाइड फिजियोलॉजी आपने हर चैप्टर की लाजमी कर लेनी है, चाहे वो करिकुलम में है या चाहे नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन ड्यू टू आरएस इनकम्पैटिबिलिटी, ये जो इन्होंने बनाई हुई है ना शक्लें प्यारी प्यारी सी, इसको आपने अच्छे से देख लेना, ए बी सी। यानी कि देखो, फादर का अगर आरएस पॉजिटिव है, मदर का आरएस नेगेटिव है, तो उसके आगे ऑफस्प्रिंग्स क्या कौन कौन से होंगे। ठीक है, ये अगर आपको समझ में नहीं आई बात तो फिर आप मुझे बताइएगा कि इस पर हम सेपरेट बना लेंगे, फिर मैं आपको समझा दूँगी कि सेपरेट होती क्या चीज़ है। ठीक है, अभी तो एक्सप्लेन ही किया जा सकता है, इसको बताने का मकसद था कि आपने ये लाजमी करना है। फिर आगे क्या है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस आ गया, जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ से एमसीक्यूज आ जाते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, तो ये आपको लाजमी करना है आपने। ओके, सीवियर एनीमिया, हाइड्रोप्स फिटालिस आज तक वैसे आया नहीं है, कनेक्टेडस ये भी कभी नहीं आया, कुछ भी नहीं आया, कभी पूछा नहीं है, हो सकता है वाइवा में कभी पूछ लें तो पूछ लें। अच्छा, देन उसके बाद प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट, ये भी आपने देख लेना, ये इसमें से एमसीक्यू आते हैं। ठीक है, ये आपने प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट देखने, और बाकी अदर ग्रुप करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बाकी कुछ भी नहीं है इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट। मतलब ये चैप्टर जो है शॉर्ट के हवाले से करना है। मैं आपको इतना बता दूं कि लॉन्ग जो है ना फिजियो का लाजमी तौर पर, एक तो मसल में से आता ही आता है, पक्की बात है, मसल का वो जो है ना वो क्या कहते हैं जो उसका फिलामेंट मॉडल, हाँ वो लॉन्ग आता है, और सी वी एस में से एक लॉन्ग आता है, टोटल तीन होते हैं, और तीसरा भी कहीं से आ सकता है। ठीक है, अगर आपकी लक ख़राब नहीं है ना तो वो पास पेपर का ही होगा। ठीक है, अदरवाइज लेकिन आपको पूरा अपनी तरफ से प्रिपेयर करके जाना होता है खुद को। तो बस यहाँ तक कहानी ख़त्म। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।